हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज शिवरात्रि का महापर्व है और आज हम लोग जा रहे हैं पूजा करने दोस्तों के साथ बाबा मुंजेश्वरनाथ के धाम में। और मैं तो अभी फ़िलहाल तैयार हो गया हूँ एकदम निकलने के लिए, और आज चलते देखते हैं दोस्त लोग तैयार हो गए नहीं। अगर दोस्त लोग भी रेडी हो गएंगे तो निकलते हैं बाबा मुंजेश्वरनाथ के धाम में। और सभी दोस्त लोग यहाँ पे आ गए हैं तैयार होकर जाने के लिए मंदिर पे। भाई रास्ता दीजिए, आप लोग जाने दीजिए। चलिए बैठिए, जल्दी जल्दी फटाफट बैठिए, चला जाए। और इस तरह से हम लोग चलते हुए आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। लाइकन के लेवा ये कर जब हम लोग छोटे थे तो यहाँ पर काफ़ी घना बागीचा हुआ करता था। लोग दोपहर के समय में आने से डरते थे, कोई आना नहीं चाहता था दोपहर के टाइम में अकेले। अभी तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि 80% पेड़ों को काट दिया गया है और लोग अपने आशियाने बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कोई बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और ये जनसंख्या वृद्धि का एक जीता जागता उदाहरण है जिससे लगातार पर्यावरण का हनन हो रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन पर्यावरण का मटिया पलिद हो जाना है। और सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इंसान को ऑक्सीजन के बगैर मरना पड़ेगा। मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित तो हम सब सुरक्षित। और हम लोग शॉर्टकट रास्ते से मंदिर परिसर के करीब आ गए हैं। मेन गेट से इसलिए हम लोग नहीं आए क्योंकि उस रास्ते में काफ़ी सारा भीड़ रहता है इस टाइम, और पहले ही हम लोग लेट हो चुके थे तो इसलिए शॉर्टकट रास्ते से आ गए। और ये बाबा मुंजेश्वरनाथ का मेन गेट है जहाँ से हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे, और सामने बाबा मुंजेश्वरनाथ का धाम है। और ये जो सामने दिख रहा है ये बाबा मुंजेश्वरनाथ के मंदिर का दक्षिणी गेट है। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं यहाँ पर। पुरुषों का इस गेट से सिर्फ पुरुषों का एंट्री होता है, यहाँ पे पुरुषों की लाइनें लगती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं भी इसमें घुसी हुई हैं। और देखिए कितनी भीड़ है, लगता है घंटों ही लग जाएंगे जल चढ़ाने में, बाबा के दर्शन पाने में, लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस भीड़ में आगे की रिकॉर्डिंग संभव नहीं है, तो मंदिर के अंदर जाके ही आप लोगों को बाबा मुंजेश्वरनाथ के दर्शन कराते हैं। और हम लोगों ने भी पूजा पाठ कर लिया है बड़े आराम से। और ऐसी मान्यता है कि जो बाबा मुंजेश्वरनाथ के धाम में आकर कोई भी मन्नत सच्चे मन से मांगता है तो बाबा मुंजेश्वरनाथ ने उसे पूरा किया है। और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की इतनी भारी संख्या में भीड़ लगी है, और हर साल ऐसे ही भीड़ बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं हुई है। भीड़ अधिक होने की वजह से बाबा मुंजेश्वरनाथ दिख नहीं पा रहे हैं, देखते हैं भीड़ शायद कम हो तब दिख जाए। और देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है फिर भी, और पुलिस प्रशासन ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है भीड़ को संभालने के लिए। और काफ़ी खूबसूरत डेकोरेशन भी किए हैं बाबा मुंजेश्वरनाथ धाम का। घंटों की टन टन और बाबा की जयकारा, काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा। भीड़ तो सुबह से कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। वैसे हम लोग लेट आए भी थे यहाँ पर पूजा करने के लिए, फिर भी देखे कितना सारा भीड़ लगा हुआ है।
और हर तरफ पुलिस वाले लगे हुए हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई खो जा रहा है उसके लिए भी अनाउंसमेंट हो लगातार हो रहा है ताकि कोई खोए ना। और ये देखिए थोड़ा सा दिखे बाबा मुंजेश्वरनाथ। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि बाबा मुंजेश्वरनाथ का नाम मुंजेश्वर ही क्यों पड़ा, क्योंकि बाबा मुंजेश्वरनाथ की उत्पत्ति मुंज के झूठे से हुआ है। उनकी उत्पत्ति मुंज के झूठे में हुआ है इसलिए उनका नाम बाबा मुंजेश्वरनाथ के नाम से ही उन्हें जाना जाता है। हम बाबा मुंजेश्वरनाथ को पूरी तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन काफ़ी भीड़ होने की वजह से पूरी तरह दिख नहीं पा रहे हैं और लगातार अनाउंसमेंट भी होते रहे। ये जो कपूर और अगरबत्ती जलाने का पात्र है सामान्य दिनों में तो ये मंदिर परिसर के अंदर ही रहता है, क्योंकि आज भीड़ भक्तों की बहुत अधिक है इसलिए बाहर रखा हुआ है। और हम लोग भी अब चलते हैं अगरबत्ती कपूर जला लें, बाबा से मन्नतें मांग लें। और मैंने भी कपूर और अगरबत्ती अब जला लिया है। और ये मंदिर का पश्चिमी गेट है यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा बाहर। और ये पूर्वी द्वार है मंदिर का जहाँ महिलाओं का प्रवेश द्वार है। और ये माता सीता और राम जी का मंदिर है। वनवास जाते हुए नाव से गंगा नदी को पार करते समय का सीन है। ये माता संतोषी का मंदिर है। और ये मंदिर परिसर का तालाब है जैसा कि आप देख सकते हैं काफी बड़ा है और चारों तरफ से इसका सुंदरीकरण भी किया गया है। पहले तो इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी थी, अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। और ये बचपन वाले पन पसंद पापड़ मिल गई है इसे हम लोग खाएंगे ही आज। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग मीठा वगैरह लेंगे घर के लिए और उसके बाद घर चले जाएंगे। और सभी ने थोड़ा थोड़ा मीठा ले लिया है अपने घर के लिए और हम लोग अब निकल रहे हैं घर के लिए।